प्रदेश में एक बार फिर बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया। गाजीपुर में पिछले 48 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बता दें, जनपद की विभिन्न तहसीलों में ये सभी मौतें हुई हैं। जखनिया, मोहम्मदाबाद और सैदपुर तहसीलों में आकाशीय बिजली का कहर टूटा है। जखनिया तहसील के मोधिया गांव में एक युवक, करीमुल्लापुर गांव में एक महिला और जफरपुर गांव में किशोर की मौत हुई। वहीं सैदपुर तहसील के निजामपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवती और एक किसान की मौत हो गई। मोहम्मदाबाद तहसील के गोविंदपुर गांव में भी एक युवक की मौत हो गई। वहीं एडीएम राजेश सिंह ने बताया कि पिछले 48 घंटे में जनपद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हुई है। सभी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आकाशीय बिजली से 8 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें प्रत्येक जो मृतक है उनके जो भी वारिस होंगे 4 लाख रुपया दिया जाएगा और जो नियमानुसार सुविधाएं होंगी उनको दिया जाएगा, लेकिन दैवीय आपदा मद के अंतर्गत उनको 4 लाख रुपया दिया जाता है। क्या इन लोगों का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा? हाँ, पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक। पिछले 3 दिनों से आकाशीय बिजली से मरने वालों की तादाद अकेले पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में करीब 4 दर्जन तक पहुंच गई है। मंगलवार को भी बिजली गिरने से यूपी में 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे अधिक पूर्वांचल के जिलों में मौतें हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।